नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए संस्कृति आईएएस की 10वें नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है संस्कृति आईएएस के फर्स्ट फेज के तहत 1 से 9 तक के जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 10वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये भी एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और इसके तहत भी हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है सूफी संत, सूची सेकंड में दे रखा है उनकी उपाधि या उपनाम। तो पहला ऑप्शन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको जो है किस नाम से जो है संबोधित किया जाता था। तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो है सबसे प्रसिद्ध जो है सूफी संतों में से एक थे और उन्हें जो है हजरत निजामुद्दीन और महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। और महबूब ए इलाही का मतलब होता था ईश्वर का प्रिय, और वे जो है सुन्नी मुस्लिम थे और चिश्ती संप्रदाय के जो है सूफी संत माने जाते थे। और जो है औलिया को जो है ईश्वर का जो है प्रेम पाने वाला एक जो है व्यक्तित्व के रूप में जो है चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो इसका मिलान होगा पहले से। अगला है सैयद मोहम्मद बेसुदराज, इनको जो है बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था, ये भी सही सुमिलित है। अगला है बहाउद्दीन जकारिया, इनको जो है शेख उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था, शेख उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था। तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है शेख अहमद सरहिंदी, इनको जो है मुजादिद के नाम से जाना जाता था, इसका मिलान जो है तीसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कूट बन रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दे रखा है कि अकबर ने 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी में इबादत खाना की स्थापना की। कारण आर लिखा है कि अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना एवं धर्म के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च जो है स्थिति जो है प्राप्त करना चाहता था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे सही है, अभिकथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन देखा जाए तो आर जो है एक ही सही रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभिकथन का मतलब अलग है और जो कारण है उसका मतलब अलग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, गोलकुंडा के निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण जो है करवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है कुतुब शाही राजवंश के 5वें सुल्तान थे और उनकी समकालीन अकबर महान, जगतगुरु और इब्राहिम आदिल शाह थे। और मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने जो है हैदराबाद में चार मीनार का जो है निर्माण करवाया और इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में जो ये निर्मित है चार मीनार चूना पत्थर, ग्रेनाइट, चूर्णित संगमरमर और गारे से बनी संरचना है, और जिसमें जो है चार मेहराबों से जुड़ी चार अलंकृत मीनारें भी हैं। और 1591 में देखा जाए तो हैदराबाद शहर की स्थापना की केवल एक साल बाद ही उन्होंने जो है चार मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, नीचे दिए गए चार युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमिलित है। सूची फर्स्ट में दे रखा है जैन धर्म से संबंधित पद और सूची सेकंड में दे रखा है उनसे आशय। तो समर का मतलब होता है कर्म का जीव की ओर प्रवाह का रुक जाना, इसका मिलान जो है यहाँ होता, और आश्रव का मतलब होता है कर्म का जीवन की ओर जो है प्रवाह आश्रव कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो है सही सुमिलित नहीं हो रहे, जस्ट विपरीत एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन में सही नहीं होंगे। अगला है निर्जरा, तो निर्जरा का मतलब होता है अवशिष्ट विद्यमान कर्म का लक्ष्य,
तो इसके सामने ये विकल्प दे रखा है, ये सही है। अगला है बंधन। बंधन का मतलब होता है कर्म का जीव के साथ जो है संयुक्त हो जाना, जो है बंधन कहलाता है। तो ये भी सही है, तो सी डी सही है, टोटल दो सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बुद्धकालीन महाजनपदों में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखा जाए तो जो है अशमक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी राजधानी थी पैठन। और देखा जाए तो टोटल 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है इतिहास में, और जो है वर्तमान जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है अधिक मात्रा में स्थित है, और महाजनपद में कुछ राजतंत्र और कुछ जो है गैर राजतंत्री जो है राज्य थे, जिन्हें गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता था। और बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनमें इनकी जानकारी मिलती है, महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद हैं, पहला है काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है अंग, चौथा है मगध, पांचवा है वज्जी, छठा है मल्ल, सातवां है चेदी, आठवां है वत्स, और फिर है कुरु, फिर पांचाल, फिर मत्स्य, फिर सूरसेन, अगला है अशमक, फिर है अवंती, गांधार और कंबोज। इस प्रकार जो है 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है अशोक के किस शिलालेख में, ऐसा पूछा गया है। तो देखा जाए तो 12वें शिलालेख में हमें जो है 12वें शिलालेख में हमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है धम्म विजय का जो है उल्लेख हमें 11वें जो है शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हीनयान मत जो है निर्वाण प्राप्ति को व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मानता है। दूसरा कथन है महायान मत ने जो है बुद्ध की कल्पना ईश्वर के रूप में नहीं की है। तीसरा कथन है महायान ग्रंथों का लेखन पाली भाषा में किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि हीनयान मत ने जो है बुद्ध की कल्पना ईश्वर के रूप में नहीं, परंतु महायान मत ने जो है बुद्ध की कल्पना ईश्वर के विभिन्न रूपों में की है। तो यहाँ पे महायान के बारे में पूछा गया है, तो महायान के बारे में यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि महायान ग्रंथों का लेखन पाली भाषा में किया गया है, ठीक है, तो महायान ये जो है पाली भाषा में नहीं, ये तो हीनयान लिखे गए पाली भाषा में, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो सही केवल है एक ही ऑप्शन, पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में संप्रदाय है, सूची सेकंड में आचार है। तो देखा जाए तो जो है द्वैता द्वैत संप्रदाय है, तो इसके आचार थे, आचार निम्बार्क है, तो पहले से मिलान हो जाएगा। शुद्धाद्वैत के आचार है वल्लभाचार्य, इसका भी मिलान सही है। अगला है विशिष्टाद्वैत के जो है आचार है रामानुजाचार्य, ये भी सही है, और द्वैतवाद के आचार है माध्वाचार्य, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। मौर्यकालीन शासन काल में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द जो है विविताध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे सही संदर्भित करता है? तो यह जो है चरवाहों के अध्यक्ष के रूप में खुद को संदर्भित करता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी रचना संस्कृत भाषा एवं चंपू शैली में की गई है। दूसरा कथन है इस पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक एवं जहांगीर के लेख भी उत्कीर्ण हैं। तीसरा कथन है चीनी यात्री हेन सांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, और
दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि चीनी यात्री हैंडसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो उन्होंने इसकी स्थापना जो है 1904 में डरबन में की थी, और इसी आश्रम में गांधी जी ने मुक्ति, अहिंसा और आध्यात्मिकता के जुनून के साथ एक सफल वकील के रूप में जो है अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, और यह जो है फिनिक्स आश्रम वही स्थान था जहाँ पर गांधी जी ने अपने तीन सिद्धांतों का पालन किया, जिसमें सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा तीन प्रमुख उनके सिद्धांत थे। और गांधी जी के अनुसार यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर कोई श्रम कर पाएगा और समान वेतन भी जो है हासिल कर पाएगा, इसलिए ये जो फिनिक्स आश्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेल्बी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो वेल्बी आयोग का गठन 1895 में जो है भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसके अलावा जो है रियासतों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जाँच करने के लिए 1927 में जो है बटलर समिति का जो है गठन किया गया, और जो है कैंपबेल आयोग का गठन 1866 में, स्ट्रेची कमीशन का गठन जो है 1880 में, वायल आयोग का गठन 1886 में, मैकडोनल आयोग का जो है गठन 1900 में किया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सेंट थोमे का युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध है, प्रथम कर्नाटका युद्ध जिसे बोलते हैं, है ना, यह हुआ 1740 से 48 के मध्य, और यह जो है फ्रांसीसी सेना और कर्नाटका के नवाब हुए जो है अनवरुद्दीन, उनकी सेनाओं के मध्य इस युद्ध को लड़ा गया था। अगला है अम्बूर का युद्ध, यह युद्ध जो है 1749 में जो है डुप्ले की फ्रांसीसी सेना और कर्नाटका के नवाब हुए जो है अनवरुद्दीन, उनकी सेना के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया, और युद्ध में नवाब की जो है पराजय हुई और वह मारा भी गया। तो 1749 में यह युद्ध लड़ा गया। अगला है बेदरा का युद्ध, यह 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। अगला है वांडीवास का युद्ध, यह 1760 में लड़ा गया, फ्रांसीसी सेना और जो है अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, और हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बनेगा डी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र पर लागू थी। दूसरा कथन है यह व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। तीसरा कथन है इस व्यवस्था में किसान को भूस्वामी माना जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 14 में देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन जो है गवर्नर हुए थॉमस मुनरो, इन्होंने जो है इस व्यवस्था को प्रारंभ किया, और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भूभागों पर लागू थी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत है, पहला कथन यहाँ पे सही है। यह व्यवस्था लगभग 51% जो है भूमि पर लागू थी, और इसमें जो है रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया? तो यहाँ पे देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जो है भारत के अमृतसर में जालियांवाला बाग में जो है लोग दो राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण जो है विरोध कर रहे थे, और उसके विरोध करने के लिए ही एकत्र हुए थे। लेकिन अचानक से जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुए जनरल डायर, उन्होंने जो है अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और निहत्थे लोगों पर गोलियाँ भी बरसाईं, जिसके कारण जो है इस हत्याकांड को जो है जालियांवाला हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। और इसकी जाँच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया, और मार्च 1920 में इसे जो है कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करी। लेकिन जो है देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी जो है एक निजी जो है समिति का गठन किया था,
और इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति में जो है दूसरे सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, चितरंजन दास और जयकर, ये इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। दूसरा कथन है इसकी स्थापना का कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वागत किया गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 16 में देखा जाए तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। जो गया का अधिवेशन हुआ वो 1922 में हुआ था, है ना, और इसी अधिवेशन में जो है सी आर दास ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए और उसे और इनकी जो है मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो खासी विद्रोह है यह जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है 1829 से 33 के मध्य जो है यह विद्रोह हुआ, और यह जो है विद्रोह जो है खासी पहाड़ियों और जो है जैतिया पहाड़ियों में जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह किया गया, और अंग्रेज़ों ने 1826 में खासी हिल की स्वतंत्र जनजाति राज्यों को अपने अधीन कर लिया और ब्रिटिश प्रशासन ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाना चाहता था। सड़क निर्माण के लिए मजदूरों की भर्ती के कारण जो है खासी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया था। इसके अलावा जो है दूसरा है सन्यासी विद्रोह, यह हुआ 1770 से 1820 के मध्य 1820 के मध्य। इसका प्रमुख कारण था कि जो है तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना ना। अगला है वेलुपंथी विद्रोह, यह जो है त्रावणकोर में हुआ विद्रोह, यह 1808 से 1809 के मध्य हुआ और दीवान वेलुपंथी के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया गया। अगला है संथाल विद्रोह, यह विद्रोह जो है वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में 1855 से 57 के मध्य हुआ। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा उसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई। पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना जो है 1924 में की गई। अगला है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसकी स्थापना 1936 में की गई। अगला है अनुसूचित जाति संघ, इसकी स्थापना 1942 में की गई। अगला है दी ऑल इंडिया जो है डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई। तो यहाँ पे जो है नहीं, यहाँ पे जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है 1932 में हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में, ना, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था जिसकी स्थापना, उसका नाम था दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन पूछ रहा है तो एसोसिएशन की स्थापना जो है गांधी जी द्वारा की गई थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए चार युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित है। सूची फर्स्ट में घटना है, सूची सेकंड में गवर्नर और गवर्नर जनरल है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच, और इस अवधि के दौरान जो है लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे
और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेज़ निजाम और मराठों ने जो है हैदर अली के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ी, और यह युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, और इस युद्ध में जो है हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे यह युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए यह गलत है। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह 1780 से 84 के बीच लड़ा गया, और वारेन हेस्टिंग इस अवधि के दौरान जो है गवर्नर जनरल थे, तो ये यहाँ पे सही है। और इस युद्ध में जो है हैदर अली निजाम और मराठों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और युद्ध के दौरान जो है 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उनके बेटे टीपू सुल्तान को उसका जो है उत्तराधिकारी बनाया गया, और यह युद्ध जो है 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलौर की संधि के हस्ताक्षर के बाद समाप्त हो पाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, नहीं द्वितीय तो हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच, और इस अवधि के दौरान जो है लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर थे, तो ये भी यहाँ पे सही है। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है टीपू सुल्तान ने 1792 ईस्वी में हस्ताक्षर करने पड़े उन्हें, और इसी के साथ ये जो है युद्ध समाप्त हो पाया। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो है 1799 में लड़ा गया, और लॉर्ड विलेजली इस अवधि के दौरान जो है गवर्नर थे। और लॉर्ड विलेजली इस दौरान जो है गवर्नर थे, और 1799 ईस्वी में जो है मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड विलेजली यहाँ पे सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गुरुवारूर सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह किसानों पर आरोपित अत्यधिक कर के विरुद्ध केरल में आरंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें नारायण गुरु एवं टी के माधवन जैसे राष्ट्रीय नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो है गुरुवारूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा केरल के जो है त्रिशूर जिले में जो है 1931 में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के बढ़ावा देने और सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने के प्रयास के फलस्वरूप इस सत्याग्रह को शुरू किया गया, और के कलप्पन का ऐतिहासिक 12 दिवसीय उपवास इस संघर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। और जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि नारायण गुरु एवं टी के माधवन जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने जो है अछूतों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। इनका संबंध जो है वायकोम सत्याग्रह से था, ना कि गुरुवारूर सत्याग्रह से, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में संविधान संशोधन दे रखा है, सूची सेकेंड में उनसे संबंधित उपबंध दे रखे हैं। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसका विषय क्या था, उसका विषय था इसके द्वारा जो है सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 15 हो गई। तो यहाँ पे इसका मिलान होगा तीसरे से, है ना। इसके बाद है 24वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य बनाया गया, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। और अगला है 31वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई, तो यहाँ पे पहले से हो जाएगा। अगला है 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर इसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। हालांकि इसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन आया, और जो है इसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कूट बनेगा
और यहाँ पे बी ऑप्शन का कोट यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? क्या अधीन समिति नहीं आती है? उसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह समिति जो है राज्यसभा के अधीन आने वाली समिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति ने चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया? तो यह समिति का नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। इसका गठन जो है 1990 में किया गया था चुनाव में सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसके अलावा चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियाँ बनी, जिसमें तारकुंडे समिति बनाई गई 1974 में, फिर बनाई गई जयप्रकाश नारायण समिति 1974 में, और फिर आई वोहरा समिति 1993 में, फिर चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में निहित है? पहला है राज्यों के मध्य जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है संबंधों को बनाए रखना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर में वृद्धि करना, तीसरा है जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटान करना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 51 के तहत जो है ये तीनों प्रावधान आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देखा जाए तो 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां हमें प्रदान की गई है, जिसमें जो है संघ सूची, ठीक है, संसद संबंध में जो है संसद को संघ सूची, राज्यों के विधानमंडल को जो है राज्य सूची, और समवर्ती सूची के किसी भी विषय के संबंध में संसद व विधानमंडल दोनों ही कानून बनाने में सक्षम होंगे। समवर्ती सूची में देखा जाए तो श्रम कल्याण, जन्म मृत्यु पंजीकरण और समाचार पत्र एवं मुद्रायण, अगला है संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। यहाँ पे कृषि पर आयकर जो है केंद्र सरकार का विषय है, ना कि राज्य सरकार का, या समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कृषि आय पर जो है कर जो लगाया जाता है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के जो है निर्वाचन के क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया? तो एक केस आया मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद 2001 में, और इसमें जो है अनुच्छेद 21 का जिक्र किया गया, जिसमें जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वस्थ जीवन के अधिकार को बनाए रखना और मान्यता देने के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक धूम्रपान पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन्हें किसी भी जो है स्थिति में सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है इनका जो है न्यूनीकरण जो है संविधान में विहित रीति से ही संभव है। तीसरा कथन है संविधान में इनके जो है आधित्य जन का प्रावधान किया गया है। चौथा कथन है ये राज्य के साथ साथ सहकारी समितियों के विरुद्ध भी जो है प्रवर्तनीय है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 27 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला, तीसरा, चौथा सब गलत है, क्योंकि देखा जाए तो मूल अधिकारों के बारे में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका उल्लेख किया गया है, और मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान का संशोधन करना आवश्यक है, और मूल अधिकार जो है संविधान द्वारा रक्षित होता है और संविधान ही उसे प्रवर्त करता है। समान अधिकारों को साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि संविधान में मूल अधिकार रखने का प्रयोजन केवल व्यक्तियों को फ़ायदा पहुँचाना नहीं है,
यह अधिकार एक नीति के परिणाम स्वरूप है, इसलिए जो है आदित्य जन का सिद्धांत मूल अधिकारों पर लागू नहीं होता है। और चौथा कथन भी यहाँ पे गलत है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? पहला है संसद एवं राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन कराना, दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं चुनाव चिन्ह आवंटित करना, तीसरा है विधान परिषद के सदस्यों की निहितता के विषय में राज्यपाल को सलाह देना, चौथा है निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 28 का करेक्ट आंसर है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्य स्तर पर जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, ना कि जो है केंद्र स्तर पर जो है ये कार्य है। ठीक है, ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ये कार्य होगा, क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना, ना कि जो है केंद्रीय चुनाव आयोग का काम है। तो यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने जो है दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो 29 का करेक्ट आंसर है, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से जो है अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित है? पहला देश के भीतर जो है संचरण का अधिकार, दूसरा है देश के बाहर संचरण का अधिकार, तीसरा है देश में वापस आने का अधिकार। तो यहाँ पे देखना है कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए जो संचरण का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत जो है सभी नागरिकों को जो है देश के भीतर जो है संचरण का अधिकार प्राप्त है, जबकि देश के बाहर संचरण और देश में वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ पर्वत श्रेणी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित दर्रे का जिक्र है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है? बनिहाल दर्रे, पीर पंजाल श्रेणी में है बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी में है जो है फोटुला दर्रा, लद्दाख श्रेणी में है जो है खरदुंगला दर्रा। तो यहाँ पे सभी युग्म सही से मिले थे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये खरदुंगला दर्रा है लद्दाख में, है ना, और फोटुला दर्रा है ये भी लद्दाख में है, और बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द्वार स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किस हिमालय की विशेषता हैं? तो ये जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन जो है स्थलाकृतियों का उपयोग जो है चाय बगान लगाने के लिए किया जाता है, और ये सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने जो है रमणीय सौंदर्य, वनस्पति और प्राणी जात और जो है आर्किडिक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है इन पर्वत के जो है ऊंचे शिखरों पर जो है लेपचा जनजाति और दक्षिण भाग पर जो है मिश्रित जनसंख्या, जिनमें जो है नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएँ हैं? पहला है मानसून पर निर्भरता, दूसरा छोटे और निश्चित मार्ग, तीसरा है आयताकार प्रारूप, चौथा है अपेक्षाकृत बड़ी द्रोणी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 33 में देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन जो है चौथा विकल्प यहाँ पे गलत है। चौथा विकल्प क्या है? अपेक्षाकृत जो है बड़ी द्रोणियाँ, बड़ी द्रोणी। ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियाँ जो है छोटी होती हैं।
ना, बड़ी नहीं होती, इसलिए ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो है शोलाश वनों को वनस्पति के निम्नलिखित में से किस वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन वनों पर पाए जाने वाले वृक्ष जो है मगलोनिया, लेरेल, सिंकोना और जो है वेटल जो है नामक वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये वन जो है सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए देखा कि काली मृदाओं में लंबे समय तक जो है नमी बनी रहती है। कारण आर है कि काली मृदाओं में चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिनिया के तत्व जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 35 में देखा जाए तो काली मृदाएँ जो है दक्कन के पठार में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग भी सम्मिलित है, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भी कुछ भाग सम्मिलित हैं। और गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के जो है पठार की उत्तर पश्चिम भाग में जो है गहरी काली मृदा पाई जाती है और इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है, पहला कथन सही है और इसमें जो है नमी बनी रहती है और काली मृदाओं में चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिनिया के तत्व तो जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो है कारण अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से मानसून जो है निवर्तन के संकेत है? तो देखा जाए तो मानसून के पीछे हटना या लौट जाने को जो है मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से जो है पश्चिम उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह जो है दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से जो है निवर्तित हो जाती है और लौटती हुई मानसून पौने जो है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में भीषण वर्षा भी करते हैं। तो इसके जो है कुछ विशेषताएँ हैं जिसमें कहा गया है कि जो है स्वच्छ आकाश रहता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है और उच्च आर्द्रता बढ़ जाती है, लेकिन प्रायद्वीप के पश्चिम भागों में वर्षा के लिए कहा गया है ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। काजू की कृषि हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो लैटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त है, क्योंकि लैटेराइट मृदाएँ जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएँ जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण जो है हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है और वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो जो है निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएँ जो है शेष रह जाती हैं और उच्च तापमान में जो है आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो है ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं और इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है और इन मृदाओं में जो है लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि यह मृदा जो है कृषि के लिए जो है उतनी जो है उपजाऊ नहीं रह जाती और फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और जो है उर्वरक पदार्थों की मात्रा डालनी पड़ती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों की जो है खेती की जाती है और लाल लैटेराइट मृदा जो है इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है? पहला है डफला पहाड़ियाँ, दूसरा है मिकिल पहाड़ियाँ, तीसरा है अबोर पहाड़ियाँ, चौथा है मिसमी पहाड़ियाँ। तो 38 में देखा जाए तो यहाँ पे जो मिकिल पहाड़ियाँ हैं यह असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है और ये मिकिल जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं जो झूमिंग खेती करते हैं और ये पहाड़ियाँ जो है आर्कियन चट्टानों से बनी हैं, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। और डफला पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सुबनसिरी नदी और जो है कामेंग नदी के बीच स्थित है जो कमला नदी के दक्षिण में है और यहाँ पे भी जनजातियों द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है
और घने बांस, चीड़ और जो है देवदार के वृक्ष जो है यहाँ पे उगते हैं। इसके अलावा है मिरी पहाड़ियाँ, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सुबनसिरी और जो है कामेंग नदी के बीच स्थित है। यह जो है कमला नदी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह जो है उत्तर पूर्वी मानसून का परिणाम है, और यहाँ पे जो है दिन का दिन में जो है तापमान अधिक होता है और रातें ठंडी और जो है सुखद होती हैं, और न्यूनतम तापमान जो है 20 डिग्री जो है सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है। इससे जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि प्रायद्वीपी भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। कारण आर है कि प्रायद्वीपी भारत समुद्र के जो है समकारी प्रभाव का अनुभव करता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया। दूसरा कथन है इस प्रतियोगिता की विजेता भारत के पंकज आडवाणी हैं। और हाँ ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन इसके जो विजेता हैं वो पंकज आडवाणी नहीं है, ध्रुव सितवाला है इसके विजेता, है ना। इन्होंने जो है पंकज आडवाणी को हराकर यह जो है प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा ये लागू किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नीति में जो है रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी लेने की अनुमति दी गई है, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन जो है बनेरघट्टा जैविक उद्यान में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 43 का करेक्ट आंसर है, यह जो है कर्नाटका में स्थित है। और इस उद्यान की स्थापना 1972 में की गई, जिसे वर्ष 1974 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे जो है बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। और वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं पर ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिक्स गेम्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका आयोजन कजान रूस में किया गया। दूसरा कथन है इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन तो सही है, और इस प्रतियोगिता में रूस ने पदक तालिका में शीर्ष पायदान हासिल किया, और बेलारूस जो है दूसरे स्थान पे रहा 32 स्वर्ण पदक जीतने के बाद, और भारत 8वें पायदान पे रहा, और अफ्रीका 11वें, मिस्र 20वें, और संयुक्त अरब अमीरात को जो है 23वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में खबरों में रहा संज्ञान ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आरपीएफ से संबंधित है, और आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 109वां है, और भारत ने 64.0 का स्कोर किया है, और फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जो है रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारत का पहला
वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उड़ीसा में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य जो है स्थानीय संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी के माध्यम से पूर्वी भारत में सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें आपदा जोखिम सुरक्षा उपायों, साइबर जोखिम प्रबंधन, महिला और बाल सुरक्षा तथा वित्तीय जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में खबरों में रहे त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास फ्रीडम एज में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रीडम एज का आयोजन जो है जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य के मध्य एक जो है त्रिकोणीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है, और इस अभ्यास की घोषणा अगस्त 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में किया गया। इसमें जो है दक्षिण कोरिया भारत सम्मिलित नहीं है, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सम्मिलित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में खबरों में रही स्कूल इन अ बॉक्स पहल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है असम राज्य से संबंधित है, क्योंकि असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना मुख्य रूप से राज्य के राहत शिविरों के लिए प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मिशन निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य सीमावर्ती गाँव में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर है? यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसको पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह निगम क्षेत्र की पर्यावरणीय तथा समावेशी विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। दूसरा कथन है इसका नियंत्रण कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। संभावित आयकरदाताओं को चिन्हित करने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है स्थायी खाता संख्या आरम्भ किया गया? तो यह जो है किया गया 1998 में, और इसमें जो है 10 अल्फा न्यूमेरिक अंकों को सम्मिलित किया गया, और ये जो है एक संख्या के रूप में चिन्हित किया गया, जो एक जो है पहचान पत्र के रूप में जो है किसी व्यक्ति को संदर्भित करता है। और इसके पश्चात जो है कंपनी के रूप में भी पैन कार्ड जारी किया जाने लगा, और वहाँ भी जो है एक जो है कंपनी के रूप में उसको चिन्हित करने लग गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के संदर्भ में नहीं किया गया? तो इस समिति का नाम है भगवती समिति, और इसने जो है इसको 1973 में बेरोजगारी के संबंध में गठित किया गया था, है ना। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार से निकालने के बाद भी कुल जो है उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर बेरोजगार कहा जाएगा? तो उसे जो है निष्पादन आधार पर बेरोजगार कहा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो प्रावधान है, ये चार प्रकार के प्रावधान संदर्भित किए गए प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। अगर कोई पूछे ये चारों प्रकार के जो प्रावधान है ये किसके द्वारा संदर्भित किए गए, तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा ये जो है चार कसौटियाँ प्रस्तुत की गई, जिनके संदर्भ में बेरोजगार को बेरोजगार कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन से जो है महारत्न कंपनियों को प्रत्यायोजित शक्तियों से प्रत्यायोजित शक्तियों में सम्मिलित है? पहला है बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय करना। दूसरा है रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण जुटाना। तीसरा है भारत या विदेशों में जो है कार्यालय खोलना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर एक तो पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारण आर है कि इसमें जो है विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं,
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में निगम कर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 57 का करेक्ट आंसर है चिलैया समिति की सिफारिश पर जो है 1960 में जो है निगम कर की जो है शुरुआत की गई। यह व्यवसायों और निगमों की आय पर जो है कर लगाने वाला कर था और एक कंपनी को अपने मालिक के आयकर से अलग कर का भुगतान करना होगा क्योंकि कर उद्देश्यों के लिए उसे एक अलग इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है, इसलिए जो है इसे कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जो है जाना जाता था। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, दामोदरन समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया। जलान समिति का गठन जो है आरबीआई द्वारा नए बैंक परमिट हेतु आय आवेदनों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया। उषा थोराट समिति का गठन जो है आरबीआई ने सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया। ये थोड़ा सा समझ लिया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत में आयकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक प्रगतिशील कर है। दूसरा कथन है यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तीसरा कथन है वर्तमान में यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा जो है आयकर को शुरू किया गया और आयकर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति यह व्यवसाय की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है। यह एक प्रगतिशील कर है क्योंकि इसमें आय की दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आयकर विभाग भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार जो है एक संस्था है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ही इसको जो है एकत्र करती है, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत है क्योंकि जो है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है उधार और अन्य देयताएं हैं, जिससे 28% जो है सरकार जो है राजस्व एकत्रित करती है और आयकर से 19%। इसलिए दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला कथन दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बालकृष्ण इराडी समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है इसका गठन जो है कंपनियों के दिवालियापन, रुग्ण और इकाइयों के पुनर्वास, ऋण की जो है पुनर्अदायगी आदि की समस्याओं पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था और इस समिति ने 1987 में स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्विकास बोर्ड को समाप्त करने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल स्थापित करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अर्थशास्त्रियों का मिलान करना है उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को। तो यहाँ पे देखा जाए रेगनर जो है नर्स दे रखा है, इनका सिद्धांत दे रखा है कि असंतुलित विकास सिद्धांत दे रखा है, लेकिन उनका सिद्धांत था संतुलित विकास का सिद्धांत। उनका मानना था कि अविकसित देशों के विकास में सबसे बड़ी बाधा गरीबी का दुष्चक्र है और गरीबी का यह दुष्चक्र जो है दर्शाता है कि अविकसित देशों में आय कम है और कम आय से बचत कम होती है और कम बचत जो है स्वाभाविक रूप से कम निवेश का जो है परिणाम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादन होता है, जबकि असंतुलित विकास सिद्धांत जो है हर्षमैन ने दिया था। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी सही सुमिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है समताप रेखाएँ लगभग अक्षांशों में समानांतर चलती हैं। कारण आर लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन किया जाए। तो 61 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, परंतु कारण आर यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से किस कारण से पौने अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं? तो यहाँ पे इसका कारण है कोरियोलिस बल के कारण जो है वे अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं।
यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रतिपादन जो है 1844 में जो है गैस्पर्ड डी कोरिओलिस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, इसलिए इसे जो है कोरिओलिस बल कहा जाता है या कोरिओलिस प्रभाव कहा जाता है। इस बल के कारण जो है पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फैरल का नियम भी कहा जाता है। और विषुवत वृत्त पर जो है कोरिओलिस बल जो है नगण्य हो जाता है, परंतु ध्रुवों की ओर जाने पर यह बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो है विषुवती निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गति करती है। दूसरा कथन है, ये नियमित रूप से निरंतर एक ही पथ पर एक ही दिशा का अनुसरण करती है। तीसरा कथन है, इनसे महाद्वीपों के जो है पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 63 में देखा जाए तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर भारी वर्षा होती है, ना कि जो है पश्चिमी तट पर पूर्वी जो है भारी वर्षा होती है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी तट की ओर जब महाद्वीपों में जो है वर्षा का क्रम जो है घटता जाता है ना, इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है जो है रेंडियर, दूसरा है ग्रेट बियर, तीसरा है विनिपेग और चौथा है ग्रेट स्लेव। तो ये झीलों के नाम हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर इनको व्यवस्थित करना है। तो चौथे में देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, पहले ग्रेट बियर आएगा, फिर जो है ग्रेट स्लेवर आएगा, फिर जो है रेंडियर आएगा, फिर जो है विनिपेग आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्रेट बियर जो है कनाडा में स्थित है और ये जो है 12,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी झील है। और ये जो है बेल्जियम की जो है बड़ी और सुपीरियर झील से भी गहरी है और ये साल के ज़्यादातर समय जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। इसके अलावा है जो है ग्रेट स्लेव, ये कनाडा की जो है सबसे गहरी झील है और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका पानी साफ और गहरा रहता है। अगला है रेंडियर झील, ये कनाडा में भी स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 6,650 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई 220 मीटर है। यह भी अपने स्वच्छ जल के लिए जानी जाती है। अगला है विनिपेग झील, ये झील भी जो है कनाडा की 6ठी सबसे बड़ी और विश्व की 11वीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका जो क्षेत्र है ये 24,514 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, महासागरीय जल धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गर्म क्षेत्रों में घनत्व की अधिकता के कारण गहरी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है कि ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। तीसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 65 में देखा जाए तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा भी यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कपासी वर्षी बादलों से वर्षा। दूसरा है दैनिक तापांतरण वार्षिक तापांतरण से अधिक। तीसरा है सदाबहार वनस्पति। चौथा है सागर तटीय भाग अधिक रहने योग। तो उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जलवायु से संबंधित है? तो ये जो है विषुवत रेखीय जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल रूपों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन, रेगोलिथ। रेगोलिथ जो होता है, ये जिन चट्टानों पर मृदा का निर्माण होता है उनमें पत्थर मिट्टी और रेत के कण होते हैं, इसे ही जो है रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, पृथ्वी की सतह की शैले जो है अपक्षयकारी कारकों के प्रभाव से विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का जो है विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं जो है निक्षेप होता है। सघनता के कारण ये संचित पदार्थ शैलों में जो है परिणत हो जाते हैं। शैल निर्माण की यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है?
तो यह जो है सिली भवन कहलाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से खनिज ऑक्सीकरण की क्रिया से प्रभावित होते हैं? पहला है बायोटाइट, दूसरा है ओलिविन, तीसरा है पाइरोक्सिन, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए चार युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? सूची फर्स्ट में लिखा है अधीनस्थ क्षेत्र, सूची सेकंड में लिखा है देश, तो फॉकलैंड द्वीप लिखा है, तो फॉकलैंड द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह जो है 1833 ईस्वी से जो है ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है, ये सही है। फेरो द्वीप है, यह द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में सीटलैंड द्वीप और आइसलैंड के बीच स्थित है और यह डेनमार्क से डेनमार्क द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। और यह जो है रियूनियन द्वीप है, यह जो है मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित फ्रांस अधिकृत द्वीप है और यह 1638 ईस्वी में जो है फ्रांस के अधिकार में है। और अजोर्स द्वीप है, ये जो है पुर्तगाल के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है, यह पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गलत है, तो यहाँ पे तीन सही सम्मिलित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, मंजूसा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस कला का विकास अंग क्षेत्र में हुआ, दूसरा कथन है इसमें केवल गुलाबी हरा और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह वर्तमान के अंग क्षेत्र जिसे अभी भागलपुर कहा जाता है यहाँ पर यह विकसित हुआ। और बिहुला विषहारी की प्रेम कथा जो है इसका जो है प्रमुख विषय है इस कला शैली का, और इसे वर्ष 2021 में GI टैग भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कटोरिया किस जिले में है? तो विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, विधानसभा की विधान परिषद की 75 सीटें हैं और 40 सीटें विधानसभा की आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। और जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कटोरिया और जो है मनिहारी। तो कटोरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है बांका जिले में आता है, जबकि मनिहारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है कटिहार में आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के जो है कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके रचनाकार जो है सत्यनारायण और जो है MR चिश्ती हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जल विद्युत परियोजना है, सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिले का जिक्र है। तो यहाँ पे कटैया जल विद्युत परियोजना जो है सुपौल में है, नासरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, बेलासर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, त्रिवेणी लिंक नहर जो है पश्चिमी चंपारण में है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए कूट के हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति के सदस्य थे? पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जो है मजरूल हक, तीसरा राजकुमार शुक्ल, चौथा है बत्तख मियां अंसारी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित किया गया और असहयोग संबंधी प्रावधान जो है दरभंगा के जो है धरणीधर प्रसाद ने प्रस्तुत किया और इसका अनुमोदन जो है साय मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम, गौरव प्रसाद ने किया था। और गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु जो है एक समिति का गठन किया गया, इसके मेंबर थे राजेंद्र प्रसाद जो है मजहरुल हक और साय मोहम्मद जुबैर।
लेकिन राजकुमार शुक्ल इसके मेंबर नहीं थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। बाबू जगजीवन राम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है खेती हर मजदूर सभा की स्थापना की गई? तो 76 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1937 में की गई, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है? तो बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है, है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखा जाए तो बिहार के 8 जिले जो है रोहतास, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कटिहार जो है झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक निर्माण हेतु चुना गया था? तो इनका नाम था जो है सदल मिश्र, सदल मिश्र, ये जो है शाहबाद जिले के जो है ध्रुव डीहा गांव के रहने वाले हैं और ब्राह्मण परिवार से जो है बिलोंग करते हैं, और इनके पिता का नाम जो है नंदमणि मिश्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार के कितने जिलों का जनघनत्व बिहार के जनघनत्व से अधिक है? तो बिहार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व जो है 1106 है और भारत का जनघनत्व 382 है, जो भारत के जनघनत्व से 724 अधिक है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 20 जिलों का जनघनत्व जो है 1106 है, और शिवहर का जनघनत्व जो है बिहार में सर्वाधिक है 1880, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है 488। तो यहाँ पे कितने जिलों का है? 20 जिलों का, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु आबादी 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक है? तो शिशु आबादी 0 से 6 कितनी है बिहार में? 1,91,33,964 है, और बिहार में देखा जाए तो शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, और बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात 935 है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वैशाली में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे जो है x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो 110 आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 82 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो 4 × 6 करेंगे तो 24 आएगा, और 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा, उसी प्रकार जो है 36 लाना है तो कितने का गुणा करेंगे, तो 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 × 3 = 36 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। दो बसें P और Q एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, बस P 11 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 19 किलोमीटर चलती है, बस Q पश्चिम में 11 किलोमीटर चलती है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दोनों बसों की अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो देखा जाए तो न्यूनतम दूरी 34 किलोमीटर की होगी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार करें, तो इस अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? तो 3 की पावर 3 का क्यूब + 1 क्या होगा? 28 होगा, ऐसे 4 की पावर 3 + 1 होगा 65, ऐसे करेंगे तो जो है 7 की पावर 3 + 1 होगा 344, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 123, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे भी जो है x² - xy + y² का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 86 का करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन 63 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे जो है 87 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए जो है डी का गुणनखंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। दो ट्रेन एम और पी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा करती हैं, यदि यात्रा के लिए ट्रेन पी के लिए
ट्रेन पी ट्रेन एम से एक घंटा कम लेती है, तो इन दो शहरों के मध्य की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? तो इनकी दूरी जो है 360 किलोमीटर होगी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यदि एक निश्चित कूट भाषा में रेन को जो है 28, 18, 236 लिखा जाए और सेंड को जो है 42, 82, 38 के रूप में लिखा जाए, तो नेल का कूट क्या होगा? तो नेल का कूट क्या होगा? तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो 90 में देखा जाए सबसे छोटी संख्या है √0.04, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 जो है बिलन महिला समाचार टीम को प्रदान किया गया, यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह जो है सोमालिया से संबंधित है, सोमालिया से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट या सूचकांक है और उसमें भारत की रैंकिंग है, तो इसमें जो है भारत जो है 27.6 अंकों के साथ जो है 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है पर्यावरण जो सूचकांक है इसमें जो है भारत का स्थान सही है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है इसमें जो है भारत जो है 129वें स्थान पे आ गया है, 2023 में 127वें स्थान पे था, है ना। और लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में जो है भारत जो है 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है, और पिछले संस्करण में भारत जो है 122वें स्थान पे था, तो ये सही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 111 स्थान पे भारत को दिखाया गया है, इस पर भारत जो है 180 देशों में 93वें स्थान पे है, ये यहाँ पे सही होगा, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रोफेसर साइमन मैक को बनाया गया है, और मैक भारतीय संस्थान की संस्थापक कुलपति के रूप में जो है नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। जुलाई 2024 में नियुक्त राज्यपालों का जिक्र है और वे किस राज्य के राज्यपाल बने ये बताना है। तो राजस्थान के जो है ओम प्रकाश माथुर को जो है सिक्किम का जो है राज्यपाल बनाया गया है, ये सही है। जिष्णु देव शर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है ना। और रमन डेका को जो है छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल बनाया गया है। हरिभाव किशन राव बागड़े को जो है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन जो है मेघालय में किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मेघालय की जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और बेहदीन खलम का अर्थ होता है कि बुरी शक्तियों को भगाना, इसलिए इस त्यौहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य जो है महामारियों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की कामना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इस पुस्तक के लेखक जो है टिम वॉकर हैं, और यह पुस्तक भारत की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक रही, भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ की जो है स्मृति में लॉन्च किया गया इसको, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा सुपर मनी नामक UPI ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो है फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा जो है समर्थित जो है क्रेडिट फर्स्ट UPI सेवा प्लेटफॉर्म सुपर मनी जो है लॉन्च किया गया, इससे कंपनी रोजमर्रा के लेन देन के लिए रिवॉर्ड और क्रेडिट अनुभव का बेहतर जो है उपकरण जो है ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर रही है, और इसके तहत जो है
यह जो है ऐप जो है प्रत्येक मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर जो है 5% तक का कैशबैक भी प्रदान करती है। और सुपर मनी ने जो है अपने जो है ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए जो है NPCI के रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकरण भी किया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो इस समिति का नाम क्या है? इस समिति में जो है 26 मेंबर हैं और इसकी अध्यक्षता जो है विश्वनाथ गोलदार करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में संपन्न हुए 9वें महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया, ये सही है। यह प्रतियोगिता भारत ने श्रीलंका को हराकर अपने नाम किया, ये गलत है, क्योंकि जो है फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 गेंद शेष रहते 8 विकेट से हराया था। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है हर्षिता समर विक्रमा और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को मिला था। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो गया, तो केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। शून्य भेदभाव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कानून की समक्ष समानता को बढ़ावा देना, और इस दिवस को पहली बार मार्च 2014 में मनाया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। eDNA पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है किसी पारितंत्र में जो है प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए eDNA पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन में वन्यजीव अभयारण्य है, सूची सेकंड में संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य जो है असम के धुबरी जिले में स्थित है। यह गोल्डन लंगूर के संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, यह जो है गोवा में स्थित है और यहाँ पे नम पर्णपाती वन तथा के साथ जो है सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला है पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है कर्नाटका के घने जंगलों में स्थित है ना, ये जो है क्षेत्र जो है जड़ी बूटियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कूट बनेगा उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। हीट डॉम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये वायुमंडल में उच्च दाब का क्षेत्र है। दूसरा कथन है इसमें धरातल का तापमान ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक होता है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है, तो 103 का करेक्ट आंसर है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल हैं? एनेबिया क्लॉस्ट्रिडियम नोस्टॉम और जो है रिवोलेरिया। तो यहाँ पे जो है 104 में देखा जाए पहला तीसरा चौथा सही है, लेकिन यहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। वेटलैंड सिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके तहत जो है कहा गया है कि इसमें भारत के 8 शहर शामिल हैं, लेकिन इसमें भारत के 3 ही शहर इसमें सम्मिलित हैं। पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है उदयपुर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। UNFCCC के दुबई में आयोजित COP28 में निम्नलिखित में से कौन सी पहले शुरू की गई जिनका भारत सदस्य नहीं है? तो वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई, इसके तहत जो है ये दुबई में जो है आयोजित COP28 के तहत जो है वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल को लॉन्च किया गया,
और जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक तकनीक जानकारी और अनुभवों को साझा करना तथा ग्रीन क्रेडिट संबंधी नीतिगत साधनों को साझा करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो इसका जो है भारत मेंबर है, लेकिन वैश्विक कूलिंग प्लेज और वैश्विक नवीकरणीय एवं ऊर्जा प्लेज और G7 क्लाइमेट क्लब का जो है भारत मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे भारत सदस्य नहीं है, तो 3 का सदस्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण विद्यमान है? पहला है द्रव में पदार्थ के कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। दूसरा है द्रवों का आकार परिवर्तित होता रहता है। तीसरा कथन है द्रवों के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि बरसात के मौसम में बिजली की चमक पहले और बादल की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। कारण आर है कि बादल प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 108 में देखा जाए तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा कथन है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। तो 109 में देखा जाए तो विश्व के सभी पिंड जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो है दो पिंडों के मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है। सर्दियों के समय दिखाई देने वाला कोहरा कोलाइट का एक समान उदाहरण है, यह निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जो है कोलाइट का एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। और कोलाइट जो है उद्योगों तथा दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो विलेय कणों को जो है परिक्षिप्त जो है प्रावस्था कहते हैं, और विलायक जिसमें से ये पूरी तरीके से वितरित रहते हैं उसे जो है परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। और सर्दियों के समय दिखाई देने वाला कोहरा जो है कोलाइट का जो है बहुत ही समान उदाहरण है। इसमें परिक्षिप्त अवस्था के रूप में द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस उपस्थित रहती है, इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि यह द्रव का जो है गैस में परिक्षेपण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, द्रव का गैस में परिक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कीटों के परागण हेतु अपनी ओर आकर्षित करता है? तो 111 का सही जवाब है कोरोला, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। कोरोला जो है पंखुड़ी का बना होता है और यह प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो है केल्सिकस की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा जो है पृथक दली हो सकता है। और पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह जो है नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण जो है रात्रिचर जीवों की आंखें रात में चमकती हैं? तो इसका कारण है जो है टेपिटम ल्यूसिडम के कारण जो है रात्रिचर जीवों की आंखें रात में चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में लिखा है कि नदी की मछली को समुद्र में डालने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण आर है कि मछली के शरीर में जल के परासरण के कारण निर्जलीकरण हो जाता है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही जो है व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो यदि समुद्र की मछली को नदी में डाला जाए तब जो है परासरण के द्वारा जो है मछली के शरीर में जल का अत्यधिक जो है प्रवेश हो जाएगा, जिससे जो है जैविक क्रियाएं मंद हो जाएंगी और ऊर्जा की हानि होगी और मछली जो है मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, ग्लाइसेमिक सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के रक्त पर प्रभाव को मापा जा सकता है। दूसरा कथन है कि कम ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो 114 का सही जवाब है पहला कथन, तो यहाँ पे सही है लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि कम जो है ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले खाद्य पदार्थों पर देखा जाए तो जो है रक्त में शुगर के नियंत्रण और कुल मिलाकर डायबिटीज़ के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है, इसलिए हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किसे रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन की के, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह विटामिन जो है हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और पनीर इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रहित रोग है। पहला काली खांसी, दूसरा है हाइड्रोफोबिया, तीसरा है तपेदित, चौथा है टिटनेस। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला, तीसरा और चौथा ये जो है जीवाणु रहित जो है रोग है, लेकिन जो है हाइड्रोफोबिया जो है हाइड्रोफोबिया एक जो है संघातिक रोग है, जिसका संक्रमण जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसका संक्रमण जो है पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कछुए की पीठ पर उगता है। तो ये सवाल है, प्रोटोडर्मा जो है शैवाल जो है कछुए की पीठ पर उगता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि एक ही दंपत्ति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर जो है असमान होती हैं। कारण आर है कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण वाले अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी सही कथन का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 118 में देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला कथन तो सही है, कथन सही है परंतु कारण आर यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन में जो है आनुवंशिक बदलाव की घटना के कारण जो है अलग अलग आनुवंशिक लक्षण वाले अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप एक ही दंपत्ति की संतानें जो है आनुवंशिक स्तर पर असमान होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है अभिकथन तो सही है परंतु यहाँ पे कारण आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे समसूत्री नहीं जो है अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में खोज है, सूची सेकंड में खोज करता है। तो डी डी टी की खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है पॉल हरमन मुलर ने 1939 में की थी। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की, तीसरे से मिलान हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने की। और विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा डी ऑप्शन का कोड बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में है रेडियो सक्रिय तत्व और सूची सेकंड में है उनकी उपयोगिता। तो पहला ऑप्शन है कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है, और स्ट्रॉन्शियम 85 का प्रयोग जो है अस्थि विकृति और जो है चय अपचय के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी है, ये भी सही है। फॉस्फोरस 32 का उपयोग जो है पॉलीसिथेमिया के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। क्रोमियम 52 का उपयोग जो है रक्त कोशिका की उत्तरजीविता के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है,
इसके लिए जो है, इसके अलावा आयोडीन 125 का उपयोग जो है आँखों के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पहला जो योग में जो है सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि अम्लीय खाद्य पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। कारण आर है कि खाद्य पदार्थों का अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रासायनिक विकृति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे 121 में देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? लसिका, अस्थि और स्नायु और जो है कंडरा। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 122 में देखा जाए चारों ही जो है संयोजी ऊतक हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक जो है शरीर के अंगों तथा ऊतकों को आपस में जोड़ने तथा शरीर को आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं और रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है। रक्त के परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त शरीर के हृदय और पुनः हृदय से शरीर में जाने के मार्ग का सही क्रम है? तो 123 का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन दाया आलिंद, फिर जो है दाया निलय, फिर जो है बाया आलिंद, फिर बाया निलय, ये सही कूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में लिखा है कि कोशिका को तनु विलयन में रखे जाने पर जल पराशरण विधि द्वारा कोशिका में चला जाएगा। तो जल जो है पराशरण विधि द्वारा कोशिका में चला जाएगा। कारण आर है कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में गर्भस्थ शिशु के जो है इरिथ्रो ब्लेस्टोसिस विकार से ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक है? तो किस विकार के कारण? तो यहाँ पे 125 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत समाहित है? पहला है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य वाद, दूसरा है दो या अधिक राज्यों के मध्य वाद, तीसरा है अंतरराज्यीय जल विवाद, चौथा है संविधान के प्रारंभ से पूर्व की गई किसी संधि या करार से संबंधित वाद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 126 में देखा जाए पहला दूसरा यहाँ पे सही है, ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत समाहित है, लेकिन तीसरा चौथा यहाँ पे गलत है। ये जो है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है। राष्ट्रीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसके प्रवर्तन का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कथन है इसे जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तीसरा कथन है इसके लिए कोई अधिकतम समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बात हुई है, तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए और इसकी घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि कुछ कठिनाइयों के कारण जो है राज्य की विधानसभा के लिए आम चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग में लागू होगी। ये जो है प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक एक बार में 6 महीने तक केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हों। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विवर्तनिक झील है? भीमताल, उलर, पुलकित और जो है डीडवाना। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहले समझ लेते हैं विवर्तनिक झीलें होती क्या हैं।
तो धरती के एक बड़े भाग के ऊपर उठने या नीचे धंसने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें जो है विवर्तनिक झीलें कहा जाता है, जैसे कि कश्मीर की उलर झील। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है भीमताल झील जो है ये जो है हिमानी झील है, और डीडवाना झील जो है वायु निर्मित झील है और ये राजस्थान में है। इसके अलावा जो है पुलिकट झील जो है लैगून झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, इस क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। ये जो है परतदार चट्टाने हैं और इनमें जो है जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। सभी प्रमुख जो है धात्विक खनिजों का भंडार होने के कारण ये चट्टाने आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये किस क्रम की चट्टानों की विशेषताएं हैं? तो 129 का करेक्ट आंसर है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने अल्पसंख्यकों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की। दूसरा कथन है ये सर्वहारा वर्ग का जो है अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा कथन है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 130 का राइट आंसर है, यहाँ पे कोई सा भी कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था और यह मार्क्सवाद का लक्ष्य रखते थे। और इन्होंने जो है अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत के जो है उद्धारक की संज्ञा प्रदान की गई? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है उन्हें जो है भारत के उद्धारक की भूमिका संज्ञा प्रदान की गई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रथम कारखाना अधिनियम 100 से अधिक श्रमिक वाले कारखानों पर ही लागू होता था। दूसरा कथन है इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम का समय नियमित किया गया था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 132 में देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ काम नहीं करते थे तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का समय नियमित किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रायः खबरों में रहने वाला शब्द जो है स्क्यूफ्लेशन निम्नलिखित में से किस स्थिति को सही संदर्भित करता है? तो यह जो है मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति को जो है संदर्भित करता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में एक मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति को जो है स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। इस स्थिति में कुछ क्षेत्रों में ऊंची मुद्रास्फीति की दर तथा कीमतों में भारी वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में मुद्रा संकुचन या कीमत स्तर में गिरावट या स्थिर कीमत स्तर की स्थिति को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है, नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को कुल जमा राशि का निश्चित भाग अपने पास रखना अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में इसके लिए ना तो कोई उच्चतम और ना ही न्यूनतम सीमा निश्चित है। तीसरा कथन है इसमें कमी रखने पर साख निर्माण में वृद्धि होती है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है और तीसरा कथन भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 135 में देखा जाए पहले सी रंगराजन और फिर जो है बिमल जलान, फिर उर्जित पटेल, फिर शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे कूट बनेगा ए ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन एवं जो है नोट स्टीन ने किया। दूसरा कथन है भारत जननांकी संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रहा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन यहाँ पे
गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि भारत जो है जननांगी संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहा है और तीसरी अवस्था में देखा जाए तो इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दोनों दरों में जो है प्रशंसनीय कमी आती है और इसी अवस्था से भारत गुजर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक हैं? पहला है राजनीतिक उपद्रव, दूसरा शांति एवं स्थायित्व, और तीसरा है प्राकृतिक आपदा, चौथा है संपत्ति की सुरक्षा। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 137 में देखा जाए पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस दशक में हुई थी? तो 1961 से 71 के मध्य हुई थी, 1961 से 71 के मध्य हुई थी 24.80%। इसके पश्चात जो है 1971 से 81 के मध्य 24.66%, और फिर 81 से 91 के मध्य जो है 23.87% वृद्धि हुई थी। और देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.70% ही रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? तो यह जो है यूरोपियन यूनियन की पहल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इसका उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन है, ठीक है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें यूरोपीय संघ को कोई निर्माता जो है कार्बन गहन उत्पादन को कम कठोर जलवायु नीतियों वाले क्षेत्र से बाहर के देशों में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में समानता निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? तो ये पांच विकल्प है जिनमें से देखा जाए तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, पाँचवा है मीथेन। तो यहाँ पर देखा जाए मीथेन को तो यहाँ पर नहीं लिया जाता, और जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहाँ पे नहीं लिया जाता। इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और शीशा को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में मंजूसा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बिहार के भागलपुर जनपद में आयोजित किया गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन से गांव को बिहार के पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो नवादा खरौनी पंचायत का है, नवादा खरौनी पंचायत का जो है बाबरचक गांव है, इसको जो है स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये बांका जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित बिहार वॉलीबॉल लीग की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी है? तो इसकी विजेता जो है नालंदा डिफेंडर्स बनी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है बिहार का दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि बिहार में जो है 1057 घटनाएं दर्ज की गई और मध्य प्रदेश में 518 और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2218 जो है घटनाएं दर्ज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के निम्नलिखित में से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 50 शिक्षकों को यह पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे राइट आंसर है 50 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन जो बिहार के शिक्षक हैं वो सिर्फ 2 हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी के जो है शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय के इतिहास और खेल की शिक्षिका हैं मीनाक्षी, और कैमूर के जो है तरहानी में न्यू प्राइमरी स्कूल की प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं सिकंदर कुमार सुमन, इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट नगरों के विकास को मंजूरी प्रदान की गई, इनमें निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जनपद शामिल है? तो इसमें बिहार का कौन सा जनपद शामिल है? तो इसमें जो है बिहार का, बिहार के जो है, बिहार का गया जिला सम्मिलित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है। हाल ही में विकसित किए गए बिहार के पहले जो है ह्यूमनॉइड रोबोट का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो इसका नाम है सुमेध नाम है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जनपद में बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये जो है पटना में किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। हाल ही में चर्चा में रहे रियान मोहम्मद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? तो इनका संबंध जो है शतरंज से है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये बिहार के लखीसराय जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई, इस नीति के अनुसार किसी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में किए जाने पर फिल्म की निर्माण लागत का कितना प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? इसमें बिहार सरकार द्वारा जो है 75% अगर शूटिंग होती है तो 25% जो है निर्माण की लागत जो है बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।